कांग्रेस और उसकी इको सिस्टम दिन रात बिजली चला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है। आदरणीय सभापति जी, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं जरा अपने सामान्य जीवन के अनुभव से बताता हूं। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है, देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहला देने का काम चल रहा है। और कांग्रेस के लोग और उनका इकोसिस्टम आजकल ये मन बहलाने का काम कर रहा है। आदरणीय सभापति जी, 1984 उस चुनाव को याद कीजिए, उसके बाद इस देश में 10 लोकसभा के चुनाव हुए, 10 लोकसभा के चुनाव हुए, 84 के बाद 10-10 लोकसभा के चुनाव होने के बावजूद भी कांग्रेस 250 के आंकड़े को छू नहीं पाई है। इस बार किसी तरह 99 के चक्कर में फंसे गए हैं। आदरणीय सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है। आदरणीय सभापति जी, मुझे एक किस्सा याद आता है। आदरणीय सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भाई किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। कांग्रेस आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के नेताओं के बयानों में ये बयानबाजी ने शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी,
तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं, पर मौसी मॉरल विक्ट्री तो है ना। आदरणीय सभापति जी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई है। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई है, पर हीरो तो है ना। आदरणीय सभापति जी, अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। मैं कांग्रेस के लोगों को कहूंगा, जनादेश को फर्जी जीत के जश्न में मत दबाओ, जनादेश को फर्जी जीत के नशे में मत दबाओ, जश्न में मत दबाओ, ईमानदारी से देशवासियों के जनादेश को जरा समझने की कोशिश करो, उसे स्वीकार करो। मैं एक किस्सा सुनाता हूं। एक बच्चा स्कूल से आया और जोर जोर से रोने लगा और उसकी माँ भी डर गई, क्या हो गया, बहुत रोने लगा और फिर कहने लगा, माँ मुझे आज स्कूल में मारा गया, आज स्कूल में मुझे उसने मारा, आज स्कूल में मुझे इसने मारा, और जोरों जोरों से रोने लगा। माँ परेशान हो गई, उसने उसे पूछा कि बेटा बात क्या थी, लेकिन वो बता नहीं रहा था, मैं रो रहा था, मुझे मारा, मुझे मारा। बच्चा ये नहीं बता रहा था कि आज स्कूल में उस बच्चे ने किसी बच्चे को माँ की गाली दी थी, उसने ये नहीं बताया किसी बच्चे की किताबें उसने फाड़ दी थी, उसने ये नहीं बताया कि उसने टीचर को चोर कहा था, उसने ये नहीं बताया कि किसी का टिफिन चुरा करके खा गया था। हमने कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी है। कल यहां बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था, मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहां मारा, मुझे वहां मारा, ये चल रहा था। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ बिखर के आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। इसलिए आज देश इनसे कह रहा है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। ये तरीका आदरणीय जी, तुलसीदास जी कह गए हैं, अखिलेश जी, तुलसीदास जी कह गए हैं, झूठई लेना, झूठई देना,
झूठी भोजन झूठी चबेना। तुलसीदास जी ने कहा है झूठी लेना झूठी देना झूठी भोजन झूठी चबेना। कांग्रेस ने झूठ को राजनीति का हथियार बनाया। कांग्रेस के मुंह झूठ लग गया है, जैसे वो आदमखोर एनिमल होता है ना, जिसको लहू मुंह पे लग जाता है, वैसे आदरणीय सभापति जी कांग्रेस के मुंह झूठ का खून लग गया है।